तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम बातचीत कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। जी हाँ, टेक्स्ट कैलकुलेशन फंक्शन के बारे में बात करेंगे। लॉजिकल फंक्शन के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन के ऊपर। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और यहाँ हमने चलिए टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट कैटेगरी के फंक्शन में कुछ बेसिक है, कुछ एडवांस है, तो आज हम बेसिक चीजों के बारे में बात करेंगे आपसे। सबसे पहला फॉर्मूला आता है बैटेक्स। बैटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है। बैटेक्स फॉर्मूला इंडिया में यूज नहीं होता है क्योंकि ये नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे 100 आपने लिखा तो 100 बात दे दिया, इसे थाई लैंग्वेज में किया। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं आपको 1005, तो इन्हें 1005 बात कर दिया। कैसे पता चला मुझे कि 1000 है? मैंने इसको ले गया गूगल पे, गूगल की ट्रांसलेट पे गया और हमने इसको पेस्ट कर दिया। 1005 बात दिख रहा है, इसका इंडिया में यूज नहीं है, इग्नोर इट। उसके बाद आता है किसी भी कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट करना है। हमने कोड लिखा, उसको सिलेक्ट किया, तो किसी भी कैरेक्टर का कोड यहाँ बताता है। अगर इसी को कैर फॉर्मूला में डाल दे तो एक कैर बताता है, मतलब हर कैरेक्टर का एक नंबर होता है, राइट सर? अब इसका क्या बेनिफिट है, हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कभी भी क्या होता है कि हम नाम वगैरह लिखते हैं या कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं तो अनवांटेड स्पेस होता है। जैसे कि स्पेस के साथ सुजीत है या सुजीत के बाद स्पेस है, तो ऐसे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए हम ट्रिम फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन ट्रिम फॉर्मूला में जो ध्यान रखिएगा, वो अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। किसको करता है? अनवांटेड स्पेस, न कि स्पेस को। बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्पेस को करता है, स्पेस को नहीं करता, अनवांटेड स्पेस को करता है। कैसे पता चला? आप इसमें लेन का फॉर्मूला लगाइए, ये लेंथ दे देगा। लेन का फॉर्मूला क्या करता है? लेंथ देता है कि टेक्स्ट में कितना लेंथ है। और यहां भी हमने लेन का फॉर्मूला लगाया तो पता चल गया लेंथ कितना। तो लेंथ का यूज होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे कि स्पेस नहीं देते, तो ऑल्ट एंटर प्रेस करके मैंने यहाँ पे कुमार दे दिया, ये हो गया सुजीत कुमार। मैं अब इसको ट्रिम करता हूँ तो ये आपको दिखता है यहाँ पे ट्रिम में सुजीत कुमार दिख रहा है सर? हेलो सर, इस तरह से ये ट्रिम आपको दिखता है। अब इसमें एक चीज और आता है कि ये जो आपको दिख रहा है सुजीत कुमार, अगर इसी का अगर फॉर्मूला में अगर मैं लेन का लगाता हूँ फॉर्मूला, लेन फॉर्मूला ले लिया, ये देखिए आपको 12 दिख रहा है। हेलो जी सर, लेकिन आप नॉर्मल काउंट करें तो सुजीत कुमार जो है आपको 11 ही होगा। एक जो है टी और के बीच में एक अनवांटेड करेक्टर, नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है। ऐसा करेक्टर जिसका आपको विजुअल नहीं है लेकिन उसका वजूद है। ये आपका विंडो 10 है लेकिन आप एक्सपी में, मैं जब इसको यूज करता था तो टी और के बीच में बॉक्स के अंदर क्वेश्चन मार्क आता था। ठीक है सर, तो ये फीचर एक्सपी के बाद में के वर्जन में से निकाल दिया गया फिर। और बॉक्स नहीं दिखता बट होता है। ऐसे करेक्टर को क्लीन फॉर्मूले यूज करेंगे, मतलब कि जब भी आप क्लीन लगाएं तो क्लीन भी एक बार लगा ले। तो क्लीन देखिए, ये आपका यहाँ से लेन अगर लपर लगाता हूँ इसमें, ये हटा देता है। हटा दिया सर। अब लेकिन मुझे इसे स्पेस हटा दिया, सेपरेटर नहीं है ना, मुझे सुजीत और कुमार के बीच में स्पेस का सेपरेटर चाहिए। मतलब कि मैं नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिप्लेस करना चाहता हूं स्पेस। तो यहाँ पे पहले चीज को जानना होगा कि किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करते हैं, किसी पर्टिकुलर करेक्टर को अनदर करेक्टर से कैसे रिप्लेस करें। तो यहाँ पे इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे सब्स्टिट्यूट का।
सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी करेक्टर को किसी अनदर करेक्टर, उसे सब्स्टिट्यूट में हमने बोला कि डॉट को डैश से रिप्लेस कर। ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला में हमने बोला कि डॉट को डैश से रिप्लेस कर दे, तो इसने आपको यहां रिप्लेस कर दिया। लेकिन जहां जहां भी डॉट था उसको डैश कर दिया, लेकिन इसमें किसी और भी इंस्टेंस नंबर, इंस्टेंस नंबर में अगर मैंने वन कर दिया तो आप देखेंगे यहां पे कि सिर्फ पहला रिप्लेस हो रहा है बाकी नहीं। इंस्टेंस नंबर बताता है कि आपको रिप्लेस क्या करना है, कहां पे करना है। ओके, अगर टू करते हो तो दूसरा हो जाएगा, थ्री करते हो तीसरा हो जाएगा, आप कुछ नहीं करते हो तो ऑल ओवर हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला समझ में आ गया आपको कि डाउट इसमें? हाँ, इसका मतलब इसमें जो डॉट आएगा वो चाहे कितने भी नंबर्स हो वो उसको फर्स्ट ही काउंट करेगा। जी हाँ। सर ये सब्स्टिट्यूट जैसे दो कॉलम के मतलब वर्ड को जोड़ने का भी काम करता है ना सर? ये नहीं, ये रिप्लेस करने का काम करता है। सर वो कौन सा फॉर्मूला है सर? क्या बोला है? वो ज्वाइन करने के लिए वो उसका कॉनकेटेनेट होता है। ठीक है, ओके सर, आगे बढ़े। इसलिए एक और फॉर्मूला होता है रिप्लेस। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि आपको पोजीशन के हिसाब, जैसे हमने बोला कि भाई चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को स्लैश करो, तो रिप्लेस फॉर्मूला में इसका कोई जब मतलब नहीं कि करेक्टर क्या है, बस काउंट करेगा 1 2 3 4 चौथा नंबर करेक्टर और एक से रिप्लेस कर देगा। समझ गए? तो इसलिए अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला यूज होता है पर्टिकुलर करेक्टर को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करने का, और रिप्लेस फॉर्मूला का यूज होता है किसी पर सेल के अंदर में किसी पर्टिकुलर करेक्टर पोजीशन को अनदर करेक्टर से रिप्लेस करना। अब यहां क्या यूज करें? यहां तो हमें यहां पे तो हमारा ये है ना, मतलब कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को स्पेस से करना, तो ये सब्स्टिट्यूट यूज होगा। बट प्रॉब्लम यहां पर है कि जब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यूज करता हूँ और इसमें सेलेक्ट करके मैं ऑल्ट के साथ ऑल्ट एंटर प्रेस करूंगा तो नीचे आ जाएगा। हाउ कैन टाइप? मैं जो जो ये ग्रैप टेक्स्ट है ये बेसिकली ऑल्ट एंटर चाहता है, जैसे यहाँ पे अपने सुधीर ऑल्ट एंटर किया एंड कुमार, पर फॉर्मूले के अंदर में ऑल्ट एंटर कैसे करें? तो यहाँ पे हमारा मदद करेगा कोड एंड कैट। किसी भी सेल के ऊपर आप डबल क्लिक करके यहाँ पे ऑल्ट एंटर पेस्ट की, ऑल्ट एंटर कर दिया। अब मैं इसका कोड लेता हूं। अब इसका कोड से पता करेगा कि टेक्स्ट, मतलब कि कंप्यूटर के अंदर में इस रैप टेक्स्ट का जो कोड है वो है 10, मतलब कि कैर के अंदर में अगर 10 डालता हूं तो सेम रैप टेक्स्ट मुझे रिटर्न करेगा। अब दोनों को बराबर कीजिए, बराबर। तो मैं यहां भी सेम सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले के अंदर में इसके अंदर हम बोलेंगे कि कैर 10 को रिप्लेस कर दो किससे? स्पेस। हो गया सर? मैं नया सर आप लोगों का कि नहीं? स्पेस के लिए जो टेक्स्ट का फॉर्मूला है जो हम ब्लैंक के लिए देते हैं, बाकी इसमें इफ में जब हम ब्लैंक के लिए देते हैं तो वो इसमें एक्चुअली स्पेस दिया हुआ है सर, ब्लैंक नहीं है, स्पेस है। ब्लैंक होगा तो इसमें इन्वर्टर होगा, ओपन एंड क्लोज होगा इस तरह से। हम यहाँ पे स्पेस को टाइप किया, ठीक है। हेलो, सुधीर जी समझ में आया आपको? हाँ सर। आबाद जी विदाउट? नहीं सर। दे रहे? तो
तो बेसिकली ये जो हमारा कैर एंड कोड का फॉर्मूला हर एक करेक्टर का एक कोड रखता है, उससे कैर में डाल के हम करेक्टर ला सकते हैं। इसका यूज कभी कभी ऐसे में होता है कि कुछ ऐसे करेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे alt 41451 प्लेस किया, अभी ये करेक्टर आ गया था। अब इस करेक्टर को हमने टाइप कैसे किया है alt 451। अब इसके लिए हम ये तो नहीं कर सकते ना सर, कैर के अंदर इसको फॉर्मूले में टाइप तो नहीं कर सकते ना, इसका शॉर्टकट तो पेस्ट नहीं कर सकते ना सर। तो हम इसका कोड जानते हैं, कोड पड़ता सकता है 63। और यहां जब मैं कैर के अंदर में सिक्सटी थ्री को डालता हूं तो इस तरह करेक्ट आता है, विजुअल करेक्ट नहीं हुआ पर इस तरह करेक्ट आता है। क्वेश्चन मार्क दिखा दिया। कुछ करेक्टर नहीं शो करते हैं कैर में, कुछ शो करते हैं कुछ शो नहीं करते हैं, राइट सर। अब बात करते हैं दो सेल को आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे सुजीत है और यहाँ कुमार लिखा हुआ है, अलग अलग सेल पे दोनों को ज्वाइन करने का कई सारे फॉर्मूले हैं, जैसे कॉन कटा नेट लेते हैं हम, पहले को सिलेक्ट करते हैं कॉमा दूसरे को सिलेक्ट करते हैं, बट इसके बीच में सेपरेटर नहीं है तो दूसरे को कॉमा सिलेक्ट करने से पहले हम इन्वर्टर कॉमा में स्पेस देते हैं और फिर कॉमा देकर तीसरे को सिलेक्ट करते हैं। तीन टेक्स्ट हो गया, पहला नेम फर्स्ट नेम, दूसरा स्पेस, तीसरा हमारा लास्ट नेम। अगर कुमार एक और तरीका है कि हम कॉन्करेंट फॉर्मूला ना लगाएं और इसमें हम एन परसेंट से, हम एन परसेंट से भी दो सेल को आपस में ज्वाइन कर सकते। तो कॉन्कटा नेट फॉर्मूला हो गया और ये हमारा एन परसेंट हमारा सिंबल हो गया, और इसका यूज हम वीवी में भी करते हैं, जो वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग हम आपको सिखाएंगे उसमें भी इसका यूज हम आपको सिखाएंगे। ओके आया समझ में? जी सर। लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम होती है जब आप दो डेट को आपस में कॉन्कटा नेट करते हो, जब आप इसको आपस में कॉन्केट करोगे किसी भी तरीके से तो ये आपका नंबर में आएगा। अब आपको इस पर रिकॉर्ड करके हम इसका सॉल्यूशन ढूंढ के बताना है।